याददाश्त बढ़ाने के लिए करें ये घरेलू उपचार, इसके बारे में आज बताना चाहूंगा। याददाश्त का सभी को प्रॉब्लम है, बच्चों से लेके बूढ़े तक। बच्चों को पढ़ाई के लिए और वयस्क लोगों को उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि जैसी ज़िंदगी बढ़ती जाती है वैसी मेमोरी कम कम होती जाती है, और इसके लिए उनको मेमोरी तेज रखने के लिए भी कुछ ना कुछ सेवन करना जरूरी है। घरेलू उपचार क्या होता है बताता हूँ, और विद्यार्थियों ने लिया, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लिया जो मैं बता रहा हूँ ये उपचार, तो उनको भी बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो नंबर एक है फिश ऑयल। फिश ऑयल बहुत कारगर होता है, फिश ऑयल, और फिश ऑयल से बहुत ज़्यादा फायदा मेमोरी में होता है। नंबर दो, मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है, और इसमें मेडिटेशन में हिप्नोथेरेपी भी आ गई, सम्मोहन उपचार और विधि आप वो करते हैं, रिलैक्स बैठते हैं, सजेशन देते हैं, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, और पूरा बदन माइंड रिलैक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा आपको होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, मेमोरी अच्छी होने में मदद हो जाएगी। नंबर तीन, एप्पल। एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, ऐसा बोला जाता है। एप्पल में बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, विटामिन्स है, और ब्रेन को एक्टिव रखने में बहुत कारगर है। नंबर चार, भरपूर नींद ले। 7 से 8 घंटे नींद आप लेते हैं तो ब्रेन को रीजनरेशन के लिए टाइम मिलता है, नया ब्रेन तैयार हो जाता है, न्यूली एनर्जेटिक ब्रेन तैयार हो जाता है। तो नींद 7 से 8 घंटा लेना बहुत ही ज़रूरी है, उससे मेमोरी अच्छी बढ़ जाती है। नंबर पाँच, हल्दी। करक्यूमिन यह घटक रहता है हल्दी में, और हल्दी यह एंटीऑक्सीडेंट भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और इसमें इसके बहुत सारे फायदे मेमोरी के ऊपर है। मैं खुद रोज हल्दी और गुड़ का मिश्रण करके उसकी छोटी छोटी गोटियाँ बना के लेता हूँ, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत एनर्जेटिक लगता है, अच्छा लगता है। नंबर छः, शराब ना ले, टाल दे, और धूम्रपान नहीं करना है। शराब और धूम्रपान से पता है हमको कि एथरोस्क्लेरोसिस होता है, खून की नलियाँ जो है वो छोटी हो जाती है, आकुंचन होती है, और उससे फिर ब्रेन को प्रॉब्लम आता है, और एथरोस्क्लेरोसिस से मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आइटम है ब्राह्मी, 7वां आइटम है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी में भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और एंटीऑक्सीडेंट है, अच्छे तत्व है उसमें, विटामिन्स है, और मतलब बहुत अच्छा फायदा मेमोरी में होता है। 8वां है सोयाबीन, और सोयाबीन जो है रिच इन प्रोटीन्स, और यदि आप लेते हैं सोयाबीन रोज़, सोयाबीन की बड़ियाँ ले सकते हैं आप, सोयाबीन को ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। और सोयाबीन के साथ साथ मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड जो है, मतलब नट्स और दूध आप लेते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है ब्रेन के लिए, तो सोयाबीन, नट्स और दूध इसका इस्तेमाल करें। मैं फिर से दोहराता हूँ, नंबर एक फिश ऑयल, नंबर दो मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी, नंबर तीन एप्पल सेब, नंबर चार भरपूर नींद, नंबर पाँच हल्दी मतलब करक्यूमिन, नंबर छः शराब और धूम्रपान, नंबर सात ब्राह्मी, नंबर आठ सोयाबीन नट्स और दूध। ये आप करते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेंगी, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा उससे मिल सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।